अगर सरकारी नौकरी करते समय कुछ अनुभव ज्यादा हो जाए, प्राइवेट में जाना चाहे जाए, लेकिन पहले दिन से ही जिनकी इच्छा हो जाती है कि हम सरकारी नौकरी सेवा भाव से करने की इच्छा के बजाय कहीं अच्छी सैलरी लेकर के प्राइवेट में जाए और सेवा के बजाय मेवा की इच्छा हो जाती है, उसको थोड़ा काबू करना है। हमने इसके लिए पॉलिसी बनाई है, क्योंकि निश्चित रूप से यहां कुछ लोग इच्छा कर रहे होंगे, कुछ विषय पर जरूर बोले। हमने कहा कि आप जो भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करता है वो अपने आप को एक थोड़ा सा बांध के रखे कि मुझे सरकारी सेवा में कुछ समय लगाना है। ऐसा नहीं कि आज पास किया, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कहीं विदेश में गए, अच्छा सा कहीं हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी अच्छी सी नौकरी मिल गई, स्टेट का लाभ नहीं हो रहा, स्टेट की जनता का लाभ नहीं हो रहा। अगर हमको 28,000 डॉक्टर्स की सेवा जनता के लिए, खास करके गरीब जनता की पैदा करनी है, तो कुछ डॉक्टर्स को अपने आप को बांधना पड़ेगा कि नहीं, हम सेवा हरियाणा के अंदर करेंगे, हरियाणा के अंदर नहीं भी करेंगे, मानो आर्मी में जाएंगे, मानो सरकारी सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ESI की है, कुछ भी है, लेकिन सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें। और जो मिलता है सरकारी सेवा में उसी को मेवा मान लें, उसी से काम चला लें। जो प्रलोभन शुरू हो जाते हैं इसको रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा खर्च होता है सारे सिस्टम में। हमारा जो बजट है, आज बजट के बारे में इतना ही बताऊंगा मैं कि हमारा जो हेल्थ का बजट है वो लगभग 7,300 करोड़ है, और जो मेडिकल का है वो 3600 करोड़ है। सब मिला लें तो 11,000 करोड़ रुपया मेडिकल सेवा के लिए जाता है। और जब ये मेडिकल कॉलेज सब और 10-12-13 जो और बन रहे हैं वो सब बन जाएंगे, तो ये बजट 16-17 हजार करोड़ चला जाएगा। अब ये 16-17 हजार करोड़ कहीं से लाएंगे तभी तो देंगे, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हमको ये सिस्टम ही बदलना है कि हम सरकारी सेवा में अपना मन बनाकर रखें, उसमें जाएं। हाँ, अगर जो मेवा कमाने के लिए जाएगा उसका थोड़ा योगदान जब वो कमाने लगेगा, आज नहीं, जब वो कमाने लगेगा उसका एक शेयर आज की शिक्षा के बदले वो देगा। उसके माता पिता पर कोई खर्च नहीं डालने वाले हम, और किन्हीं कारणों से वो पैसा वो नहीं चुकता कर पाएगा, वो गारंटी भी सरकार ने ली है कि सरकार उसको पे करेगी, उससे नहीं ले पाएंगे। प्रश्न कुछ लोग करते हैं कि मान लो नौकरी नहीं लगी, हरियाणा सरकार ने भी नौकरी में नहीं लिया, बाहर भी नहीं लगी, उस समय उसे कुछ नहीं लिया जाएगा। जो हरियाणा सरकार की नौकरी से ऊपर अपनी सर्विस में कहीं जाएगा केवल उसी से उतना शेयर लेने की बात कही है, जिसके लिए पॉलिसी बनाई है। तो मैं अपने उन सब नए विद्यार्थियों से जो आने वाले उनसे बात करूंगा कि इसमें कहीं किसी के ऊपर बोझ नहीं डाला है, केवल एक मन बनाया है कि आप सरकारी नौकरी करें। यह विषय मंजूर आपके सामने रखना था, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा है।